हेलो, इट्स अ लवली मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। तो बेटे, लास्ट सेशन में हमने इंड AS1 की शुरुआत करी थी, और इंड AS1 मैंने आपको बताया था ये कम्प्लीटली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर बेस्ड है। मैंने ये भी कहा था कि अगर हम ध्यान से देखें तो IAS1 और इंड AS1 दोनों के दरमियान कोई अंतर नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि इनके दरमियान बहुत कम कार्व आउट्स हैं और बहुत कम कार्विंस हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इंड AS1 इज़ कम्प्लीटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। उसके बाद फिर हमने जो चर्चा को आगे बढ़ाया, तो हमने अपनी चर्चा में इस बात की भी चर्चा करी थी कि जहाँ तक इंड AS1 का सवाल है, तो इंड AS1 का ताल्लुक प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, करेक्ट? मैंने ये भी बताया था कि इंड AS1 एक्चुअली प्रेजेंट्स सम ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड बिसाइड्स दैट इंड AS1 ऑल्सो प्रोवाइड्स सम मिनिमम रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने आज के पहले सेशन में इस बात की भी चर्चा करी कि इंड AS1 जो है वो अप्लाई नहीं करता है फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, जिसके लिए कि एक अलग से इंड AS है, इंड AS 34। लेकिन एट द सेम टाइम इंड AS1 जरूर कवर करेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि अब इंड AS 110 के दायरे में आएंगी, और उसके अलावा ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कवर करेगा जो कि इंड AS 27 के दायरे में आएंगी। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। पहले सेशन में हमने इस बात की चर्चा करी, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, हमने देखा था बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज के बारे में बताना। इन चीज़ों को अपने वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स को बताने के लिए एक एंटिटी अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटी, अपनी इक्विटी, फिर अपनी इनकम, अपने एक्सपेंस, अपने गेंस, अपने लॉसेस, अपने ओनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन और ओनर्स को जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करती है, और उस इन्फॉर्मेशन को देख करके जो एंड यूज़र हैं कंपनी की परफॉर्मेंस का जायजा या असेसमेंट लेते हैं। उसके बाद इंड AS1 की हमने आगे की बारीकियाँ ये देखी कि इंड AS1 कहता है जहाँ तक एक कम्प्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है अंडर इंड AS, उसमें 5 चीज़ें कवर करी जाएंगी। एक तो हमने देखा बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट में एक एडिशन है इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स। और नोट्स का यहाँ पर मतलब है समरी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था एक बैलेंस शीट भी हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग डेट को कंपैरेटिव पीरियड के, अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड की ओपनिंग डेट को बैलेंस शीट भी हमें बना करके देनी पड़ेगी। ये हमारा एक कंप्लीट पैकेज होगा जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल है। इज़ इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर हमने अपनी चर्चा को यहीं पर रैप अप करा था। ये हमारा इंड AS1 का पहला सेशन था और ये छोटे ड्यूरेशन का रहा, करेक्ट? मैंने आपसे जैसे कि कहा कि अब हमारी जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी सी शॉर्टर ड्यूरेशन की होंगी, क्योंकि बहुत से मैसेजेस हमें मिल रहे हैं जिसमें बच्चों ने हमसे स्पेशली रिक्वेस्ट करी है कि सर मोबाइल पे 30 मिनट से ज़्यादा की क्लासेस को एकदम से देखना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और हम लोग आर्टिकलशिप में जाते वक्त जनरली इन क्लासेस को कई बार देखते हैं। तो हमने कोशिशें अब करनी है कि हम अपनी क्लासेस को अब शॉर्टर ड्यूरेशन की रखेंगे। अब हमने जिस पोर्शन पर छोड़ा था उसके आगे की चर्चा अब हम यहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए आप भी रेडी हो जाएं और मैं भी रेडी हो जाता हूं, और ये मैंने अपनी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करा, करेक्ट? तो आपको मेरे साथ साथ अब लिखना है इंड AS1 आगे क्या कहता है। अब ये पार्ट 2 है इंड AS1 का, तो मैंने अभी कोई टाइटल नहीं लिखा, ये इंड AS1 ही है। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर इंड AS1, और ये सेकेंड सेशन है। आप बोलोगे सर आपकी हैंडराइटिंग को अचानक क्या हो गया, तो रीज़न ये है कि ये मैं अब इलेक्ट्रॉनिक पैड्स में लिख रहा हूँ, करेक्ट? तो इंड AS1 का ये सेकंड सेशन है, इसमें हम कुछ और बारीकियाँ देखने की कोशिश करेंगे, अदर एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। अदर एस्पेक्ट्स के बारे में मोस्टली इंड AS1 जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में आपको पहले से ही मालूम है। आपने इससे पहले हमारे नेशनल गैप AS1 के बारे में पढ़ा था, इजेंट इट और नॉट?
आपने इंड एएस वन के बारे में इससे पहले पढ़ा था, तो इंड एएस वन जिसका कि ताल्लुक, सॉरी मैंने इंड एएस वन कहा, आपने इससे पहले गैप के बारे में पढ़ा है, यानी कि जब मैं गैप वर्ड यूज़ करूँ तो इसका मतलब है मैं नेशनल गैप्स की बात कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जहाँ तक सवाल है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस वन में आपने पढ़ा हुआ है, कि उसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस हम इम्प्लाई करते थे, यानी कि एक एंटिटी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है तो हम ये प्रज्यूम करके चलते थे कि एंटिटी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, और जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो एक्रूवल सिस्टम पर होगी, और उसके अलावा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इम्प्लाइड होता है। तो उसी के बारे में कुछ चर्चा इंड एएस वन में भी करी गई है, तो उस चर्चा को अब मैं यहाँ पर शब्दों में बयान कर रहा हूँ और लिख करके बयान कर रहा हूँ, करेक्ट। आइए अब आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। तो अदर एस्पेक्ट्स, जैसा कि मैंने लिखा, और अदर एस्पेक्ट्स में सबसे पहले तो हमने यही लिखा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इंड एएस वन ये कहता है कि कोई भी एंटिटी जब अपने अकाउंट्स बनाएगी इंड एएस को अप्लाई कर करके, तो ये प्रेजम्पशन मानी जाएगी कि एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न है। इसका मतलब है एंटिटी प्रिपेयरिंग इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रज्यूम्ड टू बी अ गोइंग कंसर्न एंटिटी। तो इसके बारे में मैंने लिखा, एंटिटी प्रिपेयरिंग इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज प्रज्यूम टू बी अ गोइंग कंसर्न एंटिटी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें एक सीरीज ऑफ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और फिर दूसरी एजम्पशंस के बारे में क्या लिखा है? अगला पॉइंट जो ताल्लुक रखता है वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ताल्लुक रखता है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप मेरे साथ साथ इसको भी लिखेंगे, करेक्ट। Accrual basis of accounting नाम से ही पता लग रहा है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में इंड एएस क्या कहता है कि कोई भी एंटिटी जो अपनी इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, तो that will be prepared on the basis of accrual. Is it clear to you? Accrual basis के हिसाब से आप accounting करेंगे। तो इसमें मैंने लिखा, entity preparing Ind AS financial statements shall apply accrual basis shall apply accrual basis except in case of cash flow स्टेटमेंट्स। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक सवाल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत एंटिटी जो है, जाहिर है कि हम कैश सिस्टम के बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग करेंगे, और उसके अलावा हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो जो हमारी अकाउंटिंग होगी उस अकाउंटिंग के बारे में चर्चा ये है कि वो एक्यूरल सिस्टम पर होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा स्टैंडर्ड हमें कुछ इस बारे में भी बातचीत करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। और कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन का बेटे बेसिकली मतलब क्या है?
कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर एंटिटी ने एक बार किसी पर्टिकुलर आइटम को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट या क्लासिफाई कर दिया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इंड एएस ये कहता है कि उस प्रेजेंटेशन को और क्लासिफिकेशन को हमें रिटेन करना चाहिए ओवर द डिफरेंट पीरियड्स, उस पर चेंजेस नहीं लाने चाहिए, क्योंकि चेंजेस लाए अगर हम लाएंगे बेवजह तो उससे एक पीरियड की अकाउंटिंग को दूसरे पीरियड की अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करने में हमारे सामने मुश्किलें आएंगी। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का यही मतलब है कि जो भी हमने आइटम की प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन करी हुई है उसको हम रिटेन करें ओवर द पीरियड। हालांकि चेंज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जब चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इस पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट अब दूसरी तरीके से करा जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में चेंज लाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी अब मैंने आगे लिखना शुरू करा, लेकिन पहले मैं ज़रा अपनी स्लाइड को आगे बढ़ा लूँ और ये हम अपनी स्क्रीन पर भी आ गए। चलो अब मैं स्क्रीन पर आपके सामने से हट रहा हूँ और आप जो हैं मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, करेक्ट? आपकी स्क्रीन से अब हम हटेंगे और एक सेकंड के लिए जरा मैं देख लूँ पहले। हाँ जी, आइए जी, अब आप फटाफट लिखना शुरू करें बेटे मेरे साथ। अगला जो पॉइंट है, आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह सुन रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन से हट चुका हूँ, अब टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज़ करा जा रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, करेक्ट? कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन में हमने क्या लिखा? प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन, किसी आइटम को आपने किसी पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट या अगर क्लासिफाई कर दिया है, प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स in the financial statements should be retained unless change is justified by a change in circumstance or requirement or requirement of new IND AS. तो कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में आपने देखा और इसके बारे में आपको मालूम ही है पहले से भी। तो जहाँ तक इंड एएस वन का सवाल है, कुछ कुछ इसका ताल्लुक, जैसा कि मैंने कहा, एएस वन की तरह ही है और एएस वन में भी ये तमाम चीज़ें थी, इंड एएस वन में भी ये चीज़ें हैं। उसके अलावा इंड एएस वन कुछ और चीज़ों के बारे में भी चर्चा करता है, तो उसी को हमने अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया। इज इट क्लियर टू यू? अगला जो पॉइंट है उसका जो ताल्लुक है वो ऑफसेटिंग से है। ये ऑफसेटिंग क्या है इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखें। अब बेटे ये इलेक्ट्रॉनिक पैड्स में हैंडराइटिंग जो है अपनी नेचुरल नहीं बन पाती है, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा मेरी दूसरी तरीके की हैंडराइटिंग देखने की आदत है और एकदम से कई बार वो हैंडराइटिंग नहीं बन पाती है तो प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं।
हाँ जी, ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का क्या मतलब है? इंड AS1 कहता है कि आइटम्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ ऑफसेट नहीं करना चाहिए, करेक्ट। स्टैंडर्ड कहता है कि आइटम्स को एक दूसरे के साथ हमने ऑफसेट नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अनलेस एंड अनटिल इट इज परमिटेड बाय व्हाट वी कॉल इंड AS, जब तक इंड AS किसी आइटम को एक दूसरे आइटम के साथ ऑफसेट करने के लिए हमें परमिशन नहीं देगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त हमने आइटम्स को एक दूसरे से नेट ऑफ या सेट ऑफ नहीं करना है या ऑफसेट नहीं करना है। ये अगला पॉइंट इसमें हमारे सामने है। तो इस पॉइंट पे मैंने लिखा, एज पर इंड AS1, entity should not offset items of financial statements unless permitted by Ind AS, unless permitted by Ind AS। तो जब तक Ind AS हमें इजाज़त नहीं देगा, हमें आइटम्स को एक दूसरे के साथ ऑफसेट नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? लाइए जी, ये आपकी स्क्रीन पे आया था या नहीं आया है, जरा मैं चेक कर लूँ। हाँ जी, अब हम इसके अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगले पॉइंट का ताल्लुक है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन से। इंड AS1 कहता है, इनफैक्ट इट रिक्वायर्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड फॉर ऑल द अमाउंट्स व्हिच यू हैव रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट। तो एक और पहलू के बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए आप डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर आ जाइए, और हम आपकी स्क्रीन से अब दूर चले गए हैं, तो करेक्ट आप लिखें अगले पॉइंट के बारे में जिसका कि ताल्लुक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, इस पॉइंट के बारे में इंड AS क्या कहता है? इंड AS1 रिक्वायर्स, इंड AS1 रिक्वायर्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ previous periods for all the amounts reported in the financial statements or notes, correct। तो बेटे इंड AS एक तो गोइंग कंसर्न के बारे में कहता है, accrual basis की अकाउंटिंग के लिए कहता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बारे में स्ट्रेस करता है, ऑफसेटिंग भी आपने देखा कि किसी भी आइटम को एक दूसरे से नेट ऑफ नहीं करना चाहिए, जब तक कि इंड AS किसी पर्टिकुलर आइटम को नेट ऑफ करने की इजाज़त ना दे। फिर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में ये बताया गया है इंड AS1 में कि किसी भी एंटिटी के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दे, यानी कि प्रीवियस पीरियड की इंफॉर्मेशन भी दे, ऐसे किसी भी अमाउंट के लिए जो कि आपने अपनी करंट ईयर की
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका ताल्लुक नोट से ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी प्रीवियस पीरियड की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगले पॉइंट के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट का जो ताल्लुक है वो रिपोर्टिंग पीरियड से है। रिपोर्टिंग पीरियड, अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एज पर इंड ए एस रिपोर्टिंग पीरियड शेल ऑलवेज बी परज्यूम टू बी एनुअल। ऑलवेज ये माना जाएगा कि रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो एनुअल है, लेकिन इफ एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड चेंज, यानी कि इफ देयर इज चेंज देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज देन इन दैट पर्टिकुलर केस द एंटिटी विल हैव टू जस्टिफाई व्हाई द रिपोर्टिंग पीरियड इज नॉट एन एनुअल वन, why we took little bit extra time to prepare the what we call annual statements, to report the statements, तो उस केस में बड़े मैनेजमेंट को बहुत सारे सीरीज ऑफ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इसके टफ टास्क, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग पीरियड एनुअल रखा जाए, अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा मैनेजमेंट विल हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ वट वी कॉल डिस्क्लोजर्स। उसके बाद फिर इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा करी गई है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की चर्चा अब हम करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ, मैं जरा थोड़ी देर के लिए आपके सामने फिर आ जाता हूँ, करेक्ट, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का गेम है। तो अगला जो पॉइंट है उसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंड एस यही कहता है कि जब भी कोई एंटिटी अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट को बनाए तो अपने तमाम आइटम्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करे करंट और नॉन करंट में, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटीज हो, करेक्ट। हालांकि एक लीवे, एक छूट भी दी गई है, और छूट कैसे दी गई है कि अगर एंटिटी को लगता है कि हम डिफरेंट आइटम को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई ना कर करके बेहतर तरीके से रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ऐसे केस में एंटिटी को इजाज़त है कि वो करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन को इवेट कर सकती है। अदरवाइज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू व्हाट वी कॉल करंट एंड नॉन करंट। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखने के लिए मुझे स्क्रीन चाहिए और मुझे आपके सामने स्क्रीन से जाना पड़ेगा, करेक्ट, इज इट क्लियर टू यू? तो आइए जी आप फटाफट लिखना शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, बैलेंस शीट से। तो इसके बारे में भी स्टैंडर्ड हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है, और वो क्या देता है कि एंटिटी जो है मस्ट प्रेजेंट ए क्लासिफाइड स्टेटमेंट। एंटिटी मस्ट प्रेजेंट entity must present classified statement of financial position of financial position, correct. What we mean by classified, classified means all assets and liabilities
मस्ट बी कैटेगराइज्ड, मस्ट बी क्लासिफाइड, जो कि आपको मालूम ही है, मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट, करंट एंड नॉन करंट। करंट एंड नॉन करंट जितने भी आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनको आप करंट और नॉन करंट में डिवाइड करेंगे। फिर स्टैंडर्ड हमें ये भी कहता है कि करंट क्या है और नॉन करंट क्या है। तो करंट एसेट्स के बारे में स्टैंडर्ड कुछ चर्चा करता है। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट आपको मालूम तो है ही, लेकिन फिर भी इंडियस के मुताबिक जहां तक सवाल है करंट एसेट का, तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें बेटे शामिल होती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड ऑफ कोर्स। उसके बाद करंट एसेट में और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी करंट एसेट में, इसके अलावा एसेट्स हेल्ड, एसेट्स हेल्ड फॉर कलेक्शन, उसके अलावा एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, और फॉर कंजम्पशन, और फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 months। और 12 months, करेक्ट। और एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विद इन नेक्स्ट 12 months। तो कोई भी ऐसा एसेट है जो आपने हेल्ड करके रखा हुआ है सेल के लिए या कंजम्पशन के लिए, करेक्ट, विद इन ए पीरियड ऑफ 12 months, या फिर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 months की भी हो सकती है। सपोज आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 months की है और आपको मालूम है कि यू आर गोइंग टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर आइटम से विद इन 14 months, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या विद इन 12 months के अंदर, तो उस केस में वो करंट कैटेगरी में इंक्लूड करा जाएगा एंड ऑल अदर एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट्स, करेक्ट। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी के बारे में भी मालूम होना चाहिए, तो करंट लायबिलिटी के बारे में भी हमने चर्चा करी। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, जहां तक सवाल है करंट लायबिलिटीज का, आर दोज टू बी सेटल्ड विद इन दी एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और ड्यू विद इन 12 months और those
held for trading or those for which entity does not have any right to defer payment beyond 12 months. Current liabilities are those which must be settled within the entity's normal operating cycle. Now, if suppose the operating cycle happens to be 16 months and there is a liability which you are supposed to settle, say within 15 months, it will be treated as current liability. Besides that, all those amount which you are supposed to pay within 12 months, of course, will fall under the category of current liability. Similarly, if you have held a particular liability for trading purpose, for example, you are having bills payable in your hand and you know that you are going to use bills payable to set off what we call some particular contract within 12 months, in that particular case, it can be said that it is a current liability. And current liability also means such amount for which you cannot simply say no. You have no right to defer it. Defer ka matlab hai ki aap rok nahi sakte apne aap ko is liability ko pay karne se 12 months se zyada. 12 mahine aap ye nahi keh sakte ki main 12 mahine ke baad pay karunga. To usko bhi hum current liability ke daire mein lenge. Is it clear to you or not? Samajh mein aaya ki nahi bete? To is session ko main yahin par finish karunga aur iske aage ki charcha fir next session mein rahegi. Ind AS 1 abhi bhi jari hai. Maine aapse kaha tha कि जो इंड ए एस वन है वो थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड है, करेक्ट? तो बेटे इंड ए एस वन के इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और फिर हम आपसे नेक्स्ट सेशन में जब मुलाकात करेंगे तो कुछ नई चीज के साथ हम मुलाकात करेंगे. हालांकि इंड एस वन की चर्चा अभी आगे जारी रहेगी, तो कोशिश ये चल रही है. आप इस पर्टिकुलर सेशन को थोड़ा हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लिया है, तो मैं अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग को लिखने में थोड़ा असमर्थ रहा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन हमने चीज़ों को समझना ठीक तरीके से, ये हमारी कोशिशें रहेंगी. तो इस चीज़ के साथ मैं इस पर्टिकुलर सेशन को फिनिश करता हूँ.